हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, जिंदा, शकास होना भी चाहिए। आज की मेरी वीडियो कोई ब्लॉग नहीं बना रहा मैं। इस वीडियो में मैं आपको एक शौक के बारे में बताना चाह रहा हूँ। हर लोगों के अलग अलग शौक होते हैं, वैसे भी शौक होने भी चाहिए। शौक बड़ी चीज है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया, आज की मेरी ये नई वीडियो एक शौक के ऊपर है, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। लोगों के अलग अलग शौक होते हैं। किसी को गाड़ियों का शौक होता है, किसी को बाइक का, किसी को गाड़ी बनाने का शौक होता है, किसी को गाड़ी चलाने का। आज की मेरी वीडियो में मैं आपको एक नए शौक से मिलवाऊंगा, तो आप देखिए शौक हो जाएंगे। ड्रोन के बारे में आजकल आप सुन रहे हैं। अब ड्रोन के बारे में आप थोड़ा जान भी ले तो अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो में मैं DJI Talo इस ड्रोन की अनबॉक्सिंग करूंगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस ड्रोन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की नई वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा DJI Talo ड्रोन के साथ। आपको फ्लाई करके बताऊंगा, उसके सारे फीचर्स बताऊंगा और उसकी अनबॉक्सिंग भी करूंगा। इट्स नॉट अ प्रॉपर अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। DJI Talo, वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन। यस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन। ये बेस्ट क्यों है, उसका रीजन भी आपको पता चल जाएगा। उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। DJI Talo की ये प्रॉपर प्लास्टिक से पैकिंग होती है, जो कि बहुत सॉलिड प्लास्टिक है। इसको अभी थोड़ी देर फाइन कर देते हैं हम और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या मिला है। इसके अंदर हमें एक पैकेट है, जिसके अंदर आपको मिल जाएगी एक बैटरी जो DJI Talo में लगती है। ये फ्री बैटरी है, फुली मैक्स की बैटरी है। ओके, आपको चार प्रोपेलर फ्री मिले हैं इसके साथ, और उसकी की है जिससे आप प्रोपेलर से सेट कर सकते हो अपने ड्रोन में। अगर बाय चांस आपका ड्रोन डैमेज हो गया या उसके प्रोपेलर डैमेज हो गया, तो आप नए प्रोपेलर लगा सकते हैं। साथ ही में एक मैनुअल मिली है, जिसमें बहुत सारी लैंग्वेज है। इंग्लिश है, चाइनीज है, जापानीज है, जर्मन में भी लिखा है। ये एक मैनुअल है, हाउ टू यूज Talo ड्रोन। इसको भी साइड में रख देते हैं। साइड में रखता हूं ये इसका बॉक्स, जिसके अंदर से हमने बैटरी निकाली। Yeah.
बहुत ही छोटा मिनी कॉम्पैक्ट ड्रोन है। इस साइज में, इस वेट में आपको ऐसा ड्रोन कहीं नहीं मिलेगा। इसके सारे फीचर्स मैं बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इस ड्रोन का प्राइस बता दूं मैं। इस ड्रोन का प्राइस जैसे इंडिया में 40,000 दिखा रहा है फ्लिपकार्ट और अमेजोन में, एंड ये मैंने 20,000 के अंदर परचेज किया है फ्रॉम सिंगापुर। अभी इंडिया के ड्रोन नहीं आया, जिससे आप जानते हो इंडिया की रूल्स एंड पॉलिसी बहुत बार हैं ड्रोन के बारे में। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ड्रोन के रूल्स एंड पॉलिसी के बारे में डालूंगा, एंड आप देखिए इस ड्रोन को कैसे यूज करते हैं, इसका क्या फीचर्स हैं और DJI का क्या चीज ऐसी है जो लोग इससे इतना परचेज कर रहे हैं। एक छोटी सी चीज जिसका प्राइस 40,000 है, क्या वर्थ है 40,000 इसके लिए? चलो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों तो मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए ड्रोन के सारे फीचर बताता हूँ, ड्रॉबैक बताता हूँ और ये आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सब कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्पेसिफिक फीचर, इसका नाम है DJI टेलो। टेलो इज सिंपली हेलो। तो दोस्तों इसको हेलो बोलो और परचेज कर लो, ये मेरी गारंटी है। हेलो टेलो। तो दोस्तों ये एक स्मॉल कॉम्पैक्ट ड्रोन है, इसके मैं सारे फीचर आपको बताता हूँ धीरे धीरे। सबसे पहले ये टेलो RC ड्रोन के नाम से जाना जाता है, जो एक कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आता है। इसका आप देख लो व्हाइट वाला कवर ये चेंज हो जाता है, तो आपको कलर की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैरायटी ऑफ कलर है इसमें सब, और इसके चार प्रोपेलर हैं जो इसके अंदर अटैच आते हैं, और ये आप चेंज भी कर सकते हो। बाय चांस आपका डैमेज हो गया तो हमने देखा था हमारे बॉक्स में चार हमें एक्स्ट्रा मिले हैं। इसके बाद ये प्रोपेलर गार्ड है, तो ये आप एक क्रैश करोगे तो आपके प्रोपेलर ऐसे खराब नहीं होंगे, क्योंकि क्रैश करने से पहले ये गार्ड से टकराएगा और बच जाएगा आपका। बाकी आपका लग किस्मत। इसका वन ऑफ द बेस्ट फीचर है ऑटो टेक ऑफ। ये ऑटोमेटिकली टेक ऑफ हो जाता है, ये फोन से कंट्रोल होता है। इसकी एक ऐप आती है फोन में टेलो के नाम से, वाईफाई से कनेक्ट होता है। इसकी रेंज 100 मीटर है और ये फ्लिप मार देता है, वो भी 8D फ्लिप, मींस 8 डायरेक्शन में फ्लिप मार देता है अलग-अलग। और ये आपको सबसे बढ़िया बात फोन से कनेक्ट करने के लिए जरूरत है, और आपको कुछ नहीं करना। इवन आप अपना कंट्रोलर लेके जाओ, इधर तामझाम करो, इफ यू वांट टू यूज कंट्रोलर देन यू कैन, मतलब ये किसी भी वाईफाई कंट्रोलर से कनेक्ट हो जाता है। यस, किसी भी वाईफाई कंट्रोलर से। इसका बेस्ट फीचर में भी ये आप भेज सकते हैं। दूसरा इसका कैमरा एकदम सामने है, तो आप सोच रहे होंगे अगर आपको ऐसे शूट करना हो या नीचे का शूट करना हो तो क्या करें, तो उसके लिए आपको स्क्रीन आती है, वो मिरर कहते हैं उसे एक्चुअली, विजुअल मिरर जो आता है इसमें यहाँ लग जाता है, तो उसका कैमरे का फेस नीचे हो जाता है। तो इसमें कैमरे की डायरेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें HD कैमरा है, यस HD 720 पिक्सल, जो इस प्राइस में मे भी आपको ना ही मिले। और DJI का जो स्टेबल जो है, इसमें DJI ने सेंसर लगा रखे हैं। दूसरी बात, इसका एक फीचर है थ्रो एंड मूव, मींस ये आपके हैंड पे लैंड कर सकता है और अपने हाथ में पकड़ो आप उसे ऊपर फेंको तो ये उड़ने लगेगा। यस, ये सच है। तो इसका नेक्स्ट फीचर है तो इसका लो बैटरी प्रोटेक्शन। जैसे इसकी बैटरी लो होती है, ये पहले ही ये देना स्टार्ट कर देता है, वो आपके ऊपर है। जैसे मैंने इसमें सेट कर रहा है 10% के बाद ये मुझे बता देगा बैटरी लो है, आप 20-30 आप अपना परसेंटेज सेट कर सकते हो। जो आपको 30% बैटरी लो हो रही है तो आपको सेफ लैंडिंग करनी होगी। ओके, एंड इसका वन ऑफ द मेन फीचर है जो बहुत कम ड्रोन में होता है या फिर एक्सपेंसिव ड्रोन में होता है, जो 1 लाख के करीब आते हैं। आप 1 लाख के और 20-40,000 के बीच के ड्रोन को आप कंपेयर कर रहे हैं, तो उसमें मैं आपको बता दूँ इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हो। आपको क्या शूट करना है, कैसे शूट करना है, इसे कैसे फायर करना है, वो एक DIY फ्रेम से प्रोग्राम भी कर सकते हो। उसकी प्रोग्राम
डाउनलोडिंग की डिमांड नहीं है। एक ओनली वेबसाइट से आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और उसमें प्रोग्रामिंग करनी है, बहुत इजी है। इसका कैमरा, तो इसका फ्रंट मेगापिक्सल कैमरा जो है 5 मेगापिक्सल है, 5 मेगापिक्सल। अब इसमें आप एचडी में सेल्फी शूट ले सकते हो, आप इसे उड़ाओ ऊपर और अपने शूट लो। हाँ, आप ये सोच रहे हो कि बस बकवास करने जा रहे हैं, इसे उड़ा के कब दिखाएगा, वो भी दिखाऊंगा, बस आप देखते रहिए। कंट्रोल रेडियन फ्लाइट टाइम, एक्चुअली इसका फ्लाइट टाइम 13 मिनट्स है, जो ऐसे ड्रोन्स में नहीं होता, ये सिर्फ DJI के ड्रोन्स में ही होता है 13 मिनट टू 15 मिनट। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे उसे यूज करते हो, उसकी स्पीड 100 मीटर इसकी रेंज है और रेंज आप बढ़ा सकते हो 1 मीटर से। आपको सबको पता होगा कि किसी भी चीज की रेंज बढ़ी जाती है रिपीटर, वाईफाई रिपीटर। तो MI का रिपीटर ले लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट रिपीटर है, उसकी लिंक मैं बायो में दूंगा, आप वो लेके इसकी रेंज कितनी भी बढ़ा सकते हो। बट फ्रॉम माय सजेशन मैं बोलूंगा रेंज ज्यादा ना बढ़ाओ, क्योंकि ज्यादा दूर ले जाके करना क्या है, क्योंकि इसमें GPS नहीं है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही है GPS नहीं है, बट इस रेंज में मैं GPS एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। अगर आप GPS लेना चाहते हो तो फिर आपको 60,000 की रेंज तो अप्रोक्सीमेट चलाना ही पड़ेगा। GPS से क्या होता है, अगर आप इसे 2 किलोमीटर की दूर तक ले जाते हो 3 किलोमीटर तक और इसकी बैटरी लो होने वाली होती है, तो आप ऑटोमेटिकली आपके पास वापस आ जाता है। बट ये टेलो एक इजीली फॉर द बिगनर है, कॉम्पैक्ट ड्रोन है, तो सारे फीचर्स तो आ नहीं सकते इसमें, और इस प्राइस रेंज में आपको इतने फीचर्स क्या हो। इसका एक ड्रॉबैक आपने देख लिया होगा, सोच लिया होगा GPS नहीं है, फायदा नहीं है, एक्सेप्ट। तो जिस भी ड्रोन में GPS होता है वो हर जगह उड़ाए नहीं जाते, उनमें में वो प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जहाँ भी होते हैं वो प्रॉब्लम करते हैं। कोई भी आप ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ आयरन ज़्यादा होगा या मैग्नेट वैगनेट का कोई कनेक्शन होगा, तो वहाँ वो नहीं उड़ पाते, उसमें आता है मैग्नेटिक फील्ड फेलियर या कनेक्शन फेलियर। इसमें ऐसा कोई फीचर ही नहीं है इसमें GPS। सेकेंड ऑफ ऑल इसमें आपको इंडोर उड़ा सकते हो, बाकी ड्रोन्स को इंडोर उड़ाने में रिस्क भी होता है और उड़ाए भी नहीं जाते, एक इंडोर उड़ जाता है। एक स्टेबल इतना है जितने DJI के हर ड्रोन है, आप स्पा और मैविक प्रो, मैविक एयर कोई भी ड्रोन से कंपेयर कर लीजिए। हाँ, ये DJI का ड्रोन है, तो DJI फ्लाइट पैक में इसे सिग्निफाई किया है, पूरा चेक किया है, तभी इसे लॉन्च किया है। ये न्यूली लॉन्च ड्रोन है, आप DJI की वेबसाइट में इसे दे सकते हैं। मैं आपको इंडिया में परचेज कहाँ से करना है उसको आपको लिंक बायो में मिलेगी। 13 मिनट इसका टाइम है 100 मीटर। अब जाता है 720 पिक्सल की HD ट्रांजिशन होती है, वीडियो जो मैंने की डायरेक्ट इसमें रिकॉर्ड हुई इसमें से। अब आपका ड्रोन बाय चांस रेंज से बाहर चला गया या कुछ हो गया तो ये क्रैश नहीं होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, ये क्रैश नहीं होगा। अगर रेंज से बाहर जाता है या कुछ ऐसी जगह जहाँ इसके सिग्नल ना आ रहे हो तो ये ऑटोमेटिक सेफ लैंड हो जाता है, यह सेफ लैंडिंग। दोस्तों, ये सेंसर हैं, ये अपनी रेंज देखते हैं और ऑटोमेटिक सेफ लैंडिंग के लिए काम आते हैं, और इसी के रीज़न से हमारा टैलो स्टेबल है। तो दोस्तों, मैं कंपेयर करता हूँ अपने टैलो को DJI स्पार्क से। प्राइस रेंज तो आप सब जानते हैं, स्पार्क आपका 60-70 के अप्रॉक्स पड़ता है, टैलो आपका 40 के अप्रॉक्स है, बट अब मैंने आपको जैसे तो बताया 20 तक मिल जाएगा। ये ऐप खोलने से पहले हमें वाईफाई से कनेक्ट करना होगा।
ये ऑटोमेटिकली मेरा टेलो के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब जस्ट मुझे ऐप खोलनी है और फ्लाई करना है।